नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कभी जिक्के में। दोस्तों आज का वीडियो हमारे सभी व्यूवर्स के लिए वाकई बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो धर्मकांटे से रिलेटेड आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप धर्मकांटे के ऊपर काम करते हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि धर्मकांटे पे डिस्प्ले पे जो बेल्ट दिखाई देता है, डिस्प्ले के माध्यम से कैसे दिखाई देता है, और प्रिंटर का जो है प्लग कैसे इसमें लगता है, और उसका जो है डिस्प्ले का प्लग इसमें कैसे लगता है सीपीयू में, कंप्यूटर का प्लग सीपीयू में कैसे लगता है, कैसे लाइट के माध्यम से हम चला सकते हैं, किसी कारणवश लाइट चली जाए तो हम उस कंप्यूटर को कैसे चलाएंगे, और किसी कारणवश इन्वर्टर ख़राब हो जाए तो हम अपने धर्मकांटे को कैसे चलाएंगे। तो दोस्तों अगर आप धर्मकांटे पर काम करते हैं तो आप लोगों के लिए यह इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। प्लीज़ आप उसे पूरा देखें, क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी कभार कि इन्वर्टर ख़राब हो जाए या कभी लाइट गड़बड़ हो जाए या किसी कारणवश किसी ने कोई प्लग निकाल दिया या कोई प्लग धोखे से निकल गया तो आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा प्लग कहाँ से निकल गया है। आप बहुत ही परेशान हो जाएंगे, आपका धर्मकांटा बंद हो जाएगा, आपके यहाँ गाड़ी आएंगी वापस हो जाएंगी और आप दिक्कत में फंस जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, उसे कुछ खर्चा भी देना पड़ेगा, यानी कि झंझट ही झंझट है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल बारीकी से समझाएंगे कि कौन सा प्लग कहाँ पे लगता है और किस प्लग का क्या काम है, किसी कारणवश कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसे कैसे जुगाड़ से चला सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कंप्यूटर में कि इसका प्लग कहाँ पर है। इसका मेन सॉकेट दोस्तों यहाँ पर लगा हुआ है कि बोर्ड में, ये लाइट का कनेक्शन है दोस्तों, और इसका ये प्लग हमारे कंप्यूटर में यहाँ पे नीचे लगता है। दोस्तों जब यहाँ पे ये प्लग्स लगते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये प्लग्स लगे हुए हैं, इन्हीं कारणवश इसमें लाइट आती है और ये सारा सिस्टम चलता भी है। दोस्तों कभी कभार ऐसा हो जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये प्लग निकल जाता है, ये निकल गया या हिल गया किसी कारणवश तो हमारा ये काम करना बंद कर देता है इस तरीके से। तो आप लोग ध्यान रखें कि ये प्लग कभी कभार निकल जाता है जिससे हम दिक्कत में फंस जाते हैं, हमें नहीं पता होता, तो इसको आप फिर से लगा देंगे या इस पर कार्बन वगैरह जम जाता है जिस कारण बस हमारे प्रिंटर में कंप्यूटर में जो है पोज नहीं दिखाई देता है। उसके बाद दोस्तों आपको मैं बता दूँ, हमारा ये आपको कीबोर्ड दिखाई दे रहा होगा, इस कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं तो इसमें जो है दोस्तों ये प्लग यानी लीड लगी दिखाई दे रही है। ये हमारे जो है यहाँ पर सीपीयू रखा हुआ है नीचे, तो सीपीयू में दोस्तों यहाँ पे लगी हुई है जिस कारण से हम जो है कुछ भी टाइप करते हैं हमारे कंप्यूटर में फीड होता है। उसके बाद दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा हमारा प्रिंटर, इसमें पेपर लगा हुआ है जिससे पर्ची छपती है और ये हमारा प्रिंटर। तो दोस्तों प्रिंटर का ये प्लग तो यहाँ पर लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा लाइट में, और दोस्तों इसका एक प्लग यहाँ पर लगा होता है, जो प्लग हमारे जो है आपको दिख रहा होगा इस प्लग से ही हमारे प्रिंटर चलता है, और अगर किसी कारणवश ये निकल जाता है तो आप लोग ध्यान रखें इसे आराम से लगा सकते हैं। ये प्लग जो आपको दिख रहा है किसी कारणवश यहाँ से निकल जाए या हिल जाए जिससे आपकी पर्ची ना निकले तो आप इसे यहाँ से लगा लें। और दोस्तों यहाँ पे प्रिंटर में दोस्तों ये बटन इस पर लगे होते हैं, इससे पेपर आगे बढ़ता है, इससे जो रुक जाता है इससे पेपर चलने लगता है, इससे नीचे की तरफ जाता है। दोस्तों इन बटनों को आप ध्यान से सीख लें, इनका भी अलग अलग महत्व होता है। उसके बाद दोस्तों आपको ये दिख रही होगी डिस्प्ले, जिस पे ये आपको दिख रहा है लकीर चल रही है, इस टाइम इसका मतलब है जीरो। इसमें भी दोस्तों प्लग्स लगे होते हैं, ये प्लग्स जो आपको लगे दिख रहे हैं, तो दोस्तों इसमें जो प्लग लगे हुए हैं यहाँ पे हमारे आपको दिख रहे हैं साइड में, ये जो प्लग लगे हैं इन प्लग का ही मेन मुद्दा होता है, मेन टॉपिक यही होते हैं, इन्हीं पर इन्हीं प्लगों के वजह से हमारे जो है इस पर डिस्प्ले पे बेट दिखाई देता है जिससे हमारा बेट कंप्यूटर में फीड होता है और हम पर्ची निकाल के देते हैं। और दोस्तों अगर किसी कारणवश मैं आपको बता दूं आपके धर्मकांटे पे लाइट ना आए एक दो दिन और इन्वर्टर से भी जो है दिक्कत हो जाए तो आपको क्या करना है, इन्वर्टर अगर कम चार्ज है फिर भी आपको क्या करना है, आपको ये सारे प्लग्स निकाल देने हैं, ये दो निकाल के आपको सिर्फ कंप्यूटर और बंद करके आप इससे ही डिस्प्ले से ही बेट लिखकर पर्ची निकाल सकते हैं। और दोस्तों किसी कारणवश आपके धर्मकांटे का इन्वर्टर ख़राब हो जाए
और आपके यहाँ लाइट ना आए, लाइट आ रही हो इन्वर्टर ख़राब हो जाए, तो अगर ऐसे ही सिस्टम चलता रहेगा तो आपके यहाँ लाइट होगी फिर भी इन्वर्टर अगर ख़राब है तो आपके यहाँ कुछ नहीं चलेगा। तो आपको ये प्लग जो दिख रहा है यहाँ पे, ये लाइट का प्लग है, ये इन्वर्टर में लगता है, इस तरीके से हर धर्म कांटे पे लगा होता है। तो ये प्लग इन्वर्टर से निकाल कर आपको ये स्विच दिखाई दे रहा है लाइट वाला, आपको इसमें एक में लगा देना है, सिर्फ एक प्लग एक में लगा देंगे तो लाइट से आपका पूरा सिस्टम चलने लगेगा, आपका धर्म कांटा आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि जो डिस्प्ले पे बेट दिखाई देता है इसमें आपको ये लगा दिखाई दे रहा होगा, इस ये मोहर होती है, ये आपके धर्म कांटे पे डिस्प्ले पे बहुत ही ज़रूरी होती है लगी होनी, अगर ये नहीं होगी तो आपका धर्म कांटा मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक सिस्टम और दिखा देता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेहद ही ज़रूरी होता है। दोस्तों जो हमारे धर्म कांटे पे डिस्प्ले पे जो लोड सेल होते हैं, लोड सेल के माध्यम से ये जो मेन सॉकेट है यहाँ पे इसी में बेट आता है और इसी के माध्यम से ये केबल जो पड़ी हुई है ये डिस्प्ले पे दिखाई देती है, तो इससे हमारा बेट चलता है। और दोस्तों जो धर्म कांटे पे आपको ये प्लेट हमारी दिख रही है, ये प्लेट दोस्तों इस तरीके से ये प्लेट लगी है, इस पर जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वो सारी की सारी दोस्तों उस पर ही वजन दिखाती हैं और वजन दिखाने पर ही हम उसका धर्म कांटा करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? वीडियो अगर अच्छा था आप लोगों को, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो में ज़रूर बताएं, और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछें, क्योंकि दोस्तों धर्म कांटे से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारी हम देते रहते हैं और आप हमसे पूछेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों वीडियो अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यूट्यूब पर धर्म कांटे से रिलेटेड इस तरीके की जानकारी हम देते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।